फिर शहर आई बहू। टीवी में देख देख कर गाँव की मीना को भी शहर जाने का चस्का लग जाता है। देखो जी, साफ साफ बोल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता ये गांव का गोबर और मिट्टी। अब तो हम भी जाएंगे शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहेंगे और हाँ, पिज्जा बर्गर भी खाएंगे और ये छोटे छोटे कपड़े और मन मर्जी की जिंदगी, अरे बस यही सोच लिए हैं हम। हाँ, अरे क्या बकर बकर बोले जा रही हो, समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी नौकर है हम यहाँ, पैसा जो मिल रहा है ना वो भी रुक जाएगा शहर जाकर। वो क्या कहते हैं, मास्टर ही तो हो, कौन है कलेक्टर लगे हो जी, ऑनलाइन पढ़ाते हो, वहीं से कर लेना। अरे ले क्यों नहीं जाता है, मल्लू का मकान है तो खाली रख दे, दो चार दिन के लिए शहर का नशा उतर जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। अरे ना ना, मेरा नशा नहीं उतरने वाला सासू माँ, ये तो सोचना भी मत, मैं तो चली अब वापस नहीं आऊंगी यहाँ। तो मीना का पति उसे शहर ले जाता है, रहने का जुगाड़, पति की सरकारी ऑनलाइन नौकरी, शुरू हो जाता है मीना का शहर का सफर। तो एक बात तो बताओ जी, यह सुबह सुबह औरतें उस पार्क में क्यों भागती है, दौड़ती रहती है सब एक के पीछे एक। अरे गवार औरत, वो लोग अपना वजन कम करने के लिए भागती है, टाइट पैंट, टी शर्ट और शूज। हाँ देखा तो, कितनी समझदार है यहाँ शहर की औरतें, वरना हमें तो गांव में वक्त ही नहीं मिलता जी भागने का। सुबह से उठकर आटा चक्की में पीसो, फिर गेहूं धो सुखाओ, गाय की सेवा और फिर खेत का काम। हाँ, क्योंकि वहाँ सारे काम खुद के हाथों से होते थे और शरीर चलता रहता था, यहाँ तो मेड खाना बनाती है, काम वाली काम करती है और बागीचे में जो दो चार गमले रखे होते हैं उसे भी पानी देने के लिए माली होता है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना जी, घर का काम करने से तो अच्छा ही है कि पार्क में दौड़ लगाकर थका जाए। कल से तो ना मैं भी जाऊंगी पार्क में दौड़ने। अगले दिन से मीना पार्क में दौड़ना शुरू करती है, लेकिन ये क्या, पैर फिसला और मीना बहू गिर गई। अरे अरे ये गिर गई, आओ आओ सभी उसे उठाकर घर पहुंचाते हैं। हाय रे, मेरी कमर टूट गई, हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है, हाय। पति बेचारा क्या करता, अब सारा दिन स्कूल में ऑनलाइन क्लास और सुबह शाम का काम। बीवी बेड पर लेटे लेटे महीनों बाद, हाँ अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, चल फिर भी सकती हूँ, आज से ही काम पर चढ़ जाऊंगी। मीना नहा धोकर शीशे के सामने खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है, अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ये शीशे में कौन है जी? कौन क्या, तुम ही तो, क्यों क्या हुआ? हाय रे, शहर की नासपीटी औरतों को देखकर मैंने पार्क में दौड़कर पतला होने का ना सोचा होता तो महीने भर बेड में लेटे लेटे इतनी मोटी ना हो गई होती। तो चले घर वापस, वैसे भी मेरी तो खाना बना बना कर हालत खराब हो गई है। ना ना, गांव नहीं जाना, पहले तो कल ना शॉपिंग पर चलेंगे, मैंने शहर का खाना बनाने वाली क्लास भी ज्वाइन कर ली है, कल से ना मैं शहर की जिंदगी जीऊंगी। हाँ, अगले दिन से अब घर में सिर्फ बर्गर और पिज्जा बनना शुरू हो जाता है। अरे कभी तो रोटी खिला दो। अरे रोटी ही तो है, अब रोटी अलग सब्जी अलग, ये देखो रोटी में सब्जी डालकर ये ऐसे ओवन में डाल दिया, ठीक है ना? भूखा पति क्या करता, खा लेता है जो भी मिलता है। इसी को पिज्जा बोलते हैं क्या, क्या होता है इसमें? अरे क्या नहीं होता, यही पूछा, जो हाथ लगे ना सब डाल दिए हम इसमें। हाँ, अगले दिन बर्गर, किसी दिन मैक्रोनी, फिर एक दिन, अरे मेरा पेट, मीना मर गया रे। और का हो गया? रुकिए, मैं आपके लिए ना मजाटो बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो बस सोडा दे दो, पेट में गैस सी लग रही है। अरे वही तो, उसी को तो बोलते हैं मजाटो, रुकिए ना लाती हूँ अभी। हाय रे, ये शहर का खाना, माँ के हाथ की चूल्हे की रोटी कितनी मीठी थी, बड़ी याद आ रही है माँ की, माँ आ जा।
कहते हैं दिन भर में एक बार तो सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती ही है, तो आ जाती है गांव से माँ शहर में। हाँ भाई बहू, मैं भी आ गई हूँ। मेरा भी मन नहीं लग रहा था मेरे बेटे के बिना। बहू को सामने देखकर माँ जोर से चिपकती है। हाय रे, ये कौन है बेटा? वो पगलिया सी बहू जिसके कारण तू यहाँ आया, वो कहाँ है? भाग तो नहीं गई किसी शहर वाले के साथ? वैसे भी बेटा अच्छा ही किया, मुझे तो एक आंख ना भाती थी वो। माँ जी, हम ही है मीना, आपकी बहू। और कब मैं पगलिया जैसी रहती थी? अरे गांव में तो लोग मुझे देखने आते थे। हाँ, जाकर बनकर रहा करती थी तो देखने तो आएंगे ही। माँ जी, ये मेरे शहर का स्टाइल है, रुके मैं आपके लिए मॉकटेल लाती हूँ। मीना खाने पीने के लिए सास को शहर का खाना देती है। लेकिन शाम को, बहू ये रोटी के ऊपर सब्जी और ये मैदे का खाना तू ही खा, मैं तो आज अपने लिए खुद रोटी बनाऊंगी। माँ, दो रोटी मेरे लिए भी सेक देना प्लीज। हाँ हाँ मेरे लाल। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं कि मीना, माँ जी ये करेले की खुशबू तो मेरे नाक में जा रही है। हाय रे, कैसे बनाया आपने? अरे बेटा, इस बार मैंने करेले को तला नहीं है, उबाल कर भुना है। वो क्या है ना, तंदुरुस्ती के लिए अच्छा होता है। वैसे तू ना वो मैदे की रोटी ही खाना। ले बेटा ले, तू करेला ले, ये आम का अचार और ये मक्के की रोटी खा मेरे लाल। मीना को माँ के हाथ का खाना खाने का मन तो बड़ा करता है, लेकिन क्या करे, शहर का खाना खाने जो आई थी। अच्छा मीना, कल मैं बाजार घूमने जाऊंगी, तू भी चलना, सुना यहाँ कपड़े बड़े सस्ते मिलते हैं। दोनों सास बहू बाजार जाते हैं कि दुकानदार मीना से कहता है। बहन जी, अपनी बहू के लिए ये ड्रेस ले लीजिए, वो क्या है ना, बहुत जचेगी इन पर। बहू, बहू मैं हूँ, वो सास है मेरी। माफ करिए, वो क्या है ना, शरीर की बनावट देखकर कंफ्यूज हो गया था। ले लीजिए ना, अब देख लीजिए क्या क्या चाहिए। वहीं पास खड़ी दूसरी औरत मीना से कहती है। अरे खाने पीने में ध्यान दिया करो, ये बर्गर पिज्जा खाने वाले लोग वक्त से पहले बीमार और उम्र वाले भी लगते हैं। हम तो भाई शुद्ध गांव का खाना, रोटी, साफ पानी पीते हैं। दोनों रास्ते से घर की तरफ आ रही होती है कि हाय रे माँ जी, ये देखे तो कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है। बहू ऊपर देख रही होती है कि नीचे पड़े गोबर में उसका पैर पड़ जाता है। जिस गोबर से बचने तू इस शहर में आई थी ना, वही तेरे पैर पर लग गया। बहू लग नहीं रहा कि शहर आकर तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। छी छी माँ जी, यहाँ की गाय तो गोबर भी मिलावट वाला देती है। मैं तो अपने गांव में ही ठीक थी, यहाँ देखे तो कैसी मोटी हो गई हूँ। मैं आज ही जा रही हूँ गांव वापस।